जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं brtv.com। तो दोस्तों, अगर आपको भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है इस प्रकार से, जैसे कि आप जो वेबसाइट देख सकते हो, शॉपिंग की साइट है, तो आप दोस्तों बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिएगा अपनी वेबसाइट बनाने के एक डोमेन। तो डोमेन आप दोस्तों hostgator.in से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चीज़ों का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप दोस्तों hostgator की वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डोमेन पर जाना है, डोमेन रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पे जाना है। जैसे आप दोस्तों डोमेन रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, आपको दोस्तों अपना डोमेन सर्च करना है, जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड डोमेन आपका होगा। जैसा कि मैं दोस्तों आपको रेफरेंस के तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ, brtcommerce। अगर हम इस तरह से अपने साइट का नाम रखें या फिर हम रखें brtcart, तो इस तरीके से दोस्तों आप साथ सर्च कर सकते हो अपना डोमेन। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हो डोमेन अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो दोस्तों वो आपको नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे brtcart.com अवेलेबल दिखा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दोस्तों आपको फिर एक चाहिए अपनी होस्टिंग। तो जैसे आप वेब होस्टिंग पे जाओगे, तो दोस्तों अगर आप क्लाउड होस्टिंग लोगे तो बेस्ट होस्टिंग रहती है क्लाउड होस्टिंग। अगर आप दोस्तों VPS को रिकमेंड करना चाहते हो, आप दोस्तों VPS को भी रिकमेंड करना कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने काम के, आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले दोस्तों अपने क्लाउड होस्टिंग या फिर वेब होस्टिंग पर आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं क्लाउड होस्टिंग वाला आपको दिखा देता हूँ, प्लान किस प्रकार से आपको दोस्तों बाय करना है। दोस्तों आपको जाना है क्लाउड होस्टिंग पर, लिंक आपको सभी के सभी डेस्क में मिल जाएगा। वहाँ से जी क्लिक करके जाओगे तो दोस्तों आपको 50% ऑफ मिलने वाला है सभी सभी चीज़ों पर। अगर दोस्तों आप US में अपनी साइट को रैंक कराना चाहते हो, तो आप US सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो दोस्तों इंडिया में ही अपनी साइट रैंक करें, इंडिया में ही दोस्तों आपके विजिटर्स हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों अपना इंडिया वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों किसी भी एक होस्टिंग प्लान को आपको दोस्तों रिकमेंड कर लेना है। अगर दोस्तों आपको बड़ा बिजनेस के तौर पर करना है, तो आप ये बिजनेस क्लाउड वाला ले सकते हैं। पर या दोस्तों स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बेबी क्लाउड वाला ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड डोमेन जोड़ सकते हो। यानी कि अगर कल को आपको दूसरे डोमेन्स भी ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे दोस्तों ऐड कर सकते हो। आपको दोस्तों बेबी क्लाउड वाले प्लान को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, 659 पर मंथ आपको ये पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, डू ऑलरेडी हैव अ डोमेन फॉर योर होस्टिंग प्लान, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है नो। क्योंकि अगर आपके पास डोमेन है, तो आप दोस्तों येस कर सकते हो अपना एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास पहले से डोमेन है, आप वो क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है, तो हम नो कर देते हैं। जैसे आप नो कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों बैकअप चाहिए कोड गार्ड का, तो आप दोस्तों यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए साइट लॉक की, तो आप दोस्तों यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो दोस्तों अनटिक भी कर सकते हो। इसके बाद रजिस्टर है न्यू डोमेन, तो दोस्तों हमने डोमेन एक रखा था brtcart.com, या फिर दोस्तों आपको जिस भी एक्सटेंशन में लेना है, .com इसमें सबसे बेस्ट रहता है, तो आप दोस्तों ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, brtcart.com ऐड टू कार्ट में क्लिक कर देते हैं, और चेकआउट के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों ओपन हो जाएगी सब चीज़ें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मल्टी डोमेन होस्टिंग, लिनक्स होस्टिंग, अगर आपको लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो दोस्तों हम इसको डिलीट करते हुए, गलती शायद आ गई हमारे पास। brtcart देखो तो हमारा डोमेन भी हमारे पास आ गया है 1 साल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट पॉजिटिव SSL अगर आपको लेना है, तो दोस्तों आप ले सकते हो। इसके बाद क्लाउड होस्टिंग, जो हमने बीबी वाला प्लान लिया था, 4 कोर का CPU और 4 GB की रैम SSD होस्टिंग वाला, दोस्तों आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो मिनिमम आपको दोस्तों 1 साल का आप लोगे तो अच्छा रहता है। इसमें 1 साल का मैं दोस्तों इसमें रिकमेंड करा रहा हूँ आपको। 1 साल का रिकमेंड कराने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो सब टोटल आपका आया है वो 15,788 है। तो 37 का कूपन डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको दोस्तों सब टोटल होने वाला है 15,517 का। कंटिन्यू पे क्लिक करके दोस्तों पेमेंट गेटवे पर आपको लेकर चले जाएगा। आप यहाँ पे अपना दोस्तों अकाउंट क्रिएट करके पेमेंट करके अपने अकाउंट को स्थगित कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको डोमेन से होस्टिंग ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है, तो डोमेन से होस्टिंग किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने दोस्तों वीडियो पहले ही पब्लिश कर दी है। इसके बाद दोस्तों जैसे आपकी डोमेन होस्टिंग आ जाएगी, तो आपको दोस्तों अपने जाना है अकाउंट में, आपको दिखा देता हूँ अकाउंट में लॉग इन करके। तो जैसे हम दोस्तों लॉग इन टू कंटिन्यू पे अकाउंट करते हैं, ये तो दोस्तों हमें बाय वाला ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही बाय कर रखा है दोस्तों अपना अकाउंट। दोस्तों हम इसको बाय किया, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमको कोई बाय नहीं करना था, हम सबसे पहले हम जाते हैं अपने अकाउंट में, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको दोस्तों यह। दोस्तों हम चले गए अपने cPanel अकाउंट में होस्टिगेटर के, तो इसमें जाके दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा लॉगिन पासवर्ड हम डाल देते हैं इसमें। इस प्रकार से लॉगिन पासवर्ड डालते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो हमारा दोस्तों cPanel ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आपका वहाँ अपना cPanel ओपन करना है। cPanel ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है दोस्तों इसमें नीचे वर्डप्रेस के यहाँ पे। दोस्तों आप जैसे ही वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपके सामने एक वर्डप्रेस का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, वर्डप्रेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी आप दोस्तों जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपसे दोस्तों पूछेगा चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल। आप दोस्तों किस यूआरएल पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो brtv.com पे हम करना चाहते हैं। इसकी दोस्तों एक हम चाहते हैं एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करना, तो इसकी एक सब डायरेक्टरी हम क्रिएट कर लेते हैं सॉप के नाम से, सॉप के नाम से नहीं करते सॉरी, इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसका हम सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों एक सब डोमेन क्रिएट करना मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करना है आपको। दोस्तों सब डोमेन्स पे आप जाएंगे, जैसे ही आप सब डोमेन पे आपको क्लिक कर लेना है, जिस प्रकार से आप सब डोमेन क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप दोस्तों आपको सब डोमेन की यहाँ पे एक डायरेक्टली बताएगा किस नाम से आपको सब डोमेन होना चाहिए। दोस्तों सब डोमेन हम क्रिएट कर लेते हैं शॉप के नाम से, shop, shop.brtv.com। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके दोस्तों सब डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, shop.brtv.com आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। आपको दोस्तों मेन डोमेन पे ही काम करना है, आपको दोस्तों सब डोमेन नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट दोस्तों अपने मेन डोमेन से ही काम करना है। ये तो मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैंने दोस्तों जो सब डोमेन आपको क्रिएट करके दिखा दिए हैं। cPanel पे जाते हैं इस प्रकार से, दोस्तों जाने के बाद आपको दोस्तों वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे आपको मेन डोमेन पे करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ अगर आपको मेन डोमेन पे काम करना है तो। जैसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपसे पूछेगा किस पे आप चाहते हो, दोस्तों मैंने अभी सब डोमेन क्रिएट किया है, इस पर मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हो अपने मेन डोमेन पे, तो दोस्तों आपको यहाँ मेन डोमेन पे ही क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है साइट का नाम क्या है चाहते हो आप, साइट का नाम चाहते हैं हम दोस्तों shop.online। इस प्रकार से साइट का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो साइट का डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों एडमिन यूजर नेम और एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है, तो एडमिन का यूजर नेम हम brt रख देते हैं brtw। जैसे कि आप देख सकते हो हमने एडमिन का यूजर नेम brtw रख दिया है। इसके बाद हम दोस्तों इसमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों हमने एक इसमें पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, एक एडमिन हमने इसमें यूजर नेम डाल दिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, उसके बाद आपको दोस्तों क्लासिक एडिटर इसमें अच्छी है, तो आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके क्लासिक एडिटर इसमें डाल सकते हो। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉल पे क्लिक करते ही साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से एक लाइन चल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, कंग्रेचुलेसन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो आपको दोस्तों डब्ल्यूपी एडमिन पे, तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डब्ल्यूपी एडमिन पे, इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों आपकी वेबसाइट आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो तो वर्डप्रेस इंस्टॉल इसमें सक्सेसफुली हो चुकी है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको जो थोड़े से रिकमेंडेशन होती हैं वो आपको दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों जाना है अपने डैशबोर्ड में, जैसे अपने डैशबोर्ड में जाएंगे इस प्रकार से दोस्तों इसका एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होता है के साथ ही आप दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग्स में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपने साइट का नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, शॉप ऑनलाइन PHROUGH थ्रू brtreviw, जैसे आप यहाँ चाहते हो वो आप यहाँ से नाम दोस्तों चेंज कर सकते हो, साइट का टैगलाइन आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी अपनी चेंज कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आपको करना है एनीवन कैन रजिस्टर, ताकि आपकी साइट पर आकर कोई भी यूज़र दोस्तों रजिस्टर कर सके और अपना अकाउंट बना सके। ये दोस्तों आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा, एनीवन कैन रजिस्टर आपको यहाँ पे टिक करना है, ताकि कोई भी आके दोस्तों यूज़र अपना अकाउंट बना के आपके दोस्तों शॉपिंग कर सके अपनी। इसके बाद आपको दोस्तों करना है सेव चेंजेस, सेव चेंजेस करते के साथ ही आपको दोस्तों सेव चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है राइटिंग में, राइटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में रखनी है अपनी, डिफॉल्ट पोस्ट से जितनी भी आप दोस्तों प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है रीडिंग वाले सेक्शन में, रीडिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई होम पेज सेलेक्ट करना है वो मैं आपको अभी तो बताने वाला हूँ किस प्रकार से करना है, तो वो दोस्तों इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको जाना है दोस्तों परमा लिंक्स वाले सेक्शन में, परमा लिंक्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम पे, ताकि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगे ये यूआरएल। तो आपको दोस्तों पोस्ट नेम पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है दोस्तों अपीयरेंस में, थीम्स में। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करा देता हूँ। दोस्तों इंस्टॉल प्लगइन्स में आपको जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में आप देख सकते हो आपके पास एक प्लगइन इंस्टॉल मिलेगा एक स्मिथ एंटी स्पैम के नाम से, एक दोस्तों क्लासिक एडिटर हमने डाउन इंस्टॉल किया ही था। इसके बाद हमको दोस्तों कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं वो दोस्तों मैं इंस्टॉल कर आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको इंस्टॉल करने हैं। आपको दोस्तों जाना है पॉपुलर वाले टैब में, पॉपुलर टैब में जाने के बाद आपको दोस्तों एक इंस्टॉल करना है दोस्तों टाइनी एमसी एडवांस, जैसे कि हम आप देख सकते हो इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करा देते हैं एंड टू एंड।
ये दोस्तों हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है टाइनी एमसीए। इसके बाद दोस्तों हम थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम करने के बाद आपको दोस्तों डेसिन मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ये थीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है दोस्तों, एक इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों डाउनलोड का बटन पर क्लिक करके आपको दोस्तों ये थीम डाउनलोड कर लेनी है। आपको 9-10 डाउनलोड होता है थीम ओनली। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके साथ आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो शॉपिंग कार्ट 1.0 जिप, इसका लिंक भी दोस्तों आपको डेसिन मिल जाएगा थीम का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो डाउनलोड हमारी हो चुकी है। इसके बाद आपको जाना अपनी वेबसाइट में, वापस एपीजेंस में जाने के बाद दोस्तों आपको थीम से क्लिक कर देना है। जैसे आप थीम से क्लिक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों ऐड न्यू का आपको सामने आ बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना आपको दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों अपलोड वाला थीम का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप चाहते हो यहीं से कोई थीम लगाना तो दोस्तों यहाँ से भी कोई थीम रिकमेंड कर सकते हो। पर दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करके आपको चूज फाइल करा देनी है। दोस्तों मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दोस्तों से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जब तक ये थीम इंस्टॉल हो रही है तो देख लेते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हो हमारी कितनी परसेंट थीम अपलोड हो चुकी है। दोस्तों हमारी थीम अपलोड हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड शॉपिंग कार्ट 1.0 जी। दोस्तों इसको एक्टिव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों साइट आपकी एक्टिव हो जाएगी। साइट एक्टिव होने के बाद दोस्तों आपको ये बता रहा है बिगिन इंस्टॉलेशन प्लगइन। तो दोस्तों जिसके रिकमेंडेड प्लगइन से आपको दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने दोस्तों इस प्लगइन बताएगा कि आपको कौन कौन से प्लगइन आपको ये जरूरी साइट के साथ हैं। तो इन सभी को दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल। इसके बाद दोस्तों इंस्टॉल पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों सभी सभी के सभी इंस्टॉल हो चुके हैं। इनको दोस्तों अभी हमें करना पड़ेगा एक्टिवेट। दोस्तों इन सभी को आर्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं एक्टिव पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो हमारे सभी के सभी दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुके हैं। तो रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से वूकॉमर्स का दोस्तों ये शॉपिंग साइट का एक रिकमेंडेड प्लगइन होता है। इसके बिना दोस्तों आप चेकआउट पेज वगैरह पेमेंट गेटवे वगैरह नहीं लगा सकते। तो इसका सेटअप करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, तो आपके दोस्तों स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा इंडिया में लोकेटेड है। तो हम दोस्तों इंडिया यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको दोस्तों अपना एड्रेस डाल देना है। दोस्तों मैं बड़ौत में रहता हूँ तो अपना बड़ौत का एड्रेस इसमें मैं डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 12/190 गली मालिन पट्टी चौधरान, ये आ रहे यूटी बड़ो। तो दोस्तों मैंने अपना डाल दिया, इसमें सिटी डाल दिया बड़ो, चूज कर लेता हूँ स्टेट। तो स्टेट है उत्तर प्रदेश। आप अपने अनुसार अपने स्टेट सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिप कोड मैंने डाल दिया 25/0/11। व्हाट कंट्री डू यू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन, दोस्तों कुछ कंट्री करेंसी में आप पेमेंट लेना चाहते हो तो हम चाहते हैं INR में, इंडियन करेंसी में। और इसके बाद दोस्तों आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे दोस्तों कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा पेपल में आप पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ पे इस पे टिक करके चेक के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी आप लेना चाहते हैं। तो इन सभी को आप अपने अनुसार से दोस्तों टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपनी पेपल आईडी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी पेपल आईडी इसमें डाल देता हूँ। जैसे कि आप देखो तो मैंने अपनी पेपल ईमेल आईडी इसमें डाल दी है। इसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करना, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे भी बता दूंगा। पेटीएम पेमेंट गेटवे आपको किस प्रकार से एडिट करना है, इसमें किस प्रकार से आपको लगाना है पेटीएम पेमेंट गेटवे, ताकि वो इंडिया के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इंडिया का कोई चार्ज रखना है शिपिंग चार्ज, तो आप दोस्तों यहाँ पे शिपिंग चार्ज अपना अलाउट कर सकते हो फ्लैट रेट, या फिर फ्री शिपिंग आपको रखनी है तो फ्री शिपिंग भी रख सकते हो। शिपिंग का मतलब है दोस्तों जो आप यहाँ से प्रोडक्ट भेजोगे कस्टमर के यहाँ पे जो उसका कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्ट का, तो उसको बोलते हैं दोस्तों शिपिंग चार्ज। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमें कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं रखना है और कोई भी दोस्तों जो है लोकेशन वाइज कवर नहीं करना है। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते के साथ आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। आपको दोस्तों मेलिंग सर्विस चाहिए मेल चिप वालों की, या फिर फेसबुक का सिंकिंग सिस्टम चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये पूछेगा जेट पैक आपको एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। तो हमें कोई जेट पैक अभी एक्टिवेट नहीं करना है, तो स्किप दिस स्टेप हम दोस्तों इसको क्लिक कर देते हैं। स्किप दिस स्टेप करने के बाद दोस्तों आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड कर लेना है। दोस्तों विजिट डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। विजिट डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही साथ ही आपके सामने दोस्तों आपका वूकॉमर्स एक्टिवेट हो जाएगा। वूकॉमर्स एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों ये आपको दोस्तों दिखा रहा है पेपल का चेकआउट स्मार्ट वाला जो अभी आ चुका है एक बटन, उसकी सेटिंग के बारे में आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों पेपल चेकआउट सेटिंग पेज पर चले जाते हैं पहले यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अनेबल पेपल चेकआउट वाला पेमेंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लाइव आपको दिखाना है। यहाँ पे API यूज़र नेम देनी है, API पासवर्ड देना है और API का सिग्नेचर देना है आपको दोस्तों अपनी पेपल
पेपल का, तो वो दोस्तों मैं अभी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर में करके, इस तब तक मैं इसको दोस्तों सेव चेंजेस कर देता हूँ ताकि वो पॉपअप वहाँ से चला जाए, और इसके बाद आपको इसकी पूरी से कंप्लीट सेटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा पेपल पेटीएम गेटवे की। ये दिखा रहा है एपीएस सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि हमने दोस्तों अभी, तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ पेपल में जाके ताकि फिर बाद में टाइम ना बचे, पेपल पे चले जाते हैं अपने पेपल अकाउंट में। यहाँ पे जाने के बाद आपको दोस्तों लॉगिन कर लेना है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ फटाफट से अपने अकाउंट में। दोस्तों लॉग इन करने के बाद आपको जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों पेपल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऑल टूल्स पे, ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है इंटीग्रेटेड पेपाल में। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेपाल में क्लिक करने के बाद एपीआई क्रेडेंशियल्स आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दोस्तों ओपन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको दोस्तों सामने आ जाएगा ये वाला ऑप्शन NVPSOAP API इंटीग्रेटेड क्लासिक। तो दोस्तों आपको इस पे यहाँ पे मैनेज एपीआई क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने आपकी एपीआई और सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। दोस्तों आप देख सकते हो सिग्नेचर एपीआई यूजर नेम, जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना अपना एपीआई यूजर नेम, और दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है लाइव एपीआई यूजर नेम पे, तो यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ पे दोस्तों हम इसको पेस्ट कर देते हैं लाइव एपीआई पासवर्ड। तो आपको जाना है एपीआई पासवर्ड पे, यहाँ पर आपको दोस्तों जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से, यहाँ पे चले जाते हैं एपीआई पासवर्ड पे। तो हमने दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर लिया एपीआई सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नेचर के नाम से आपको ये दिखा रहा है, तो हम दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिग्नेचर को, और दोस्तों यहाँ पे डाटा आपको इसको पेस्ट करते हैं। जैसे हमने अपना सिग्नेचर पेस्ट कर दिया, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको दोस्तों चेंजेस हो जाएगा, आप देख सकते हो योर सेटिंग हैज बीन सेव्ड, दोस्तों ग्रीन कलर का आइकन आ चुका है। दोस्तों हमारा पेपाल का सेटिंग हो चुका है, इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं अपनी साइट को, तो साइट हमारी किस प्रकार से अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों हमारी साइट इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ हमारी शॉपिंग का, विजिट स्टोर पर क्लिक करके विजिट स्टोर हमारा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट वाला सिस्टम हमारा आ चुका है, वो दोस्तों एक लाइक कर देता है ताकि हमारा प्रोडक्ट हमको बाद में भी दिखा सके, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शॉपिंग वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉप का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, माई अकाउंट का, चेकआउट का, कार्ट का, तो ये सभी के सभी पेजेस ई कॉमर्स के थ्रू हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं, बन चुके हैं। इसके बाद हम जाते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स में, अगर आपको यहाँ पे दोस्तों अपना प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऑल प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। ऑल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों आपको किस प्रकार से प्रोडक्ट ऐड करना है, तो दोस्तों क्रिएट प्रोडक्ट पर आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पर सिंपल क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको दोस्तों ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, तो इसमें से इसको डिसमिस कर देते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, सब चले जाते हैं अमेजोन पे। आप दोस्तों अपने प्रोडक्ट में डेमो के तौर पर अमेजोन से ले रहा हूँ, तो आप दोस्तों अपने अनुसार यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों हम एक प्रोडक्ट ऐड करते थे फटाफट से, तो दोस्तों एक हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट, इसमें ये वाला मोबाइल फ़ोन, दोस्तों हम ये मोबाइल फ़ोन डाल लेते हैं ओप्पो F1 का, अमेजन चॉइस वालों का है, तो दोस्तों हम यहाँ से इनका ले लेते हैं एक टाइटल। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है अपना अपना एक नया बना लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और क्लिक करके डाल देना है, इसको बना देना है हेडिंग 1। जैसे आप दोस्तों इसकी हेडिंग 1 बनाएंगे इस प्रकार से, तो आपके सामने ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक इमेज चाहिएगी, आप अपनी एक इमेज ले सकते हैं जो आपकी एक डेमो इमेज बनेगी, तो यहाँ पर सेव इमेज पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक इमेज चाहिएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों प्रोडक्ट इमेज के नाम से, तो सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके इस प्रकार से वो आप दोस्तों इमेज देख सकते हो, हमारी इमेज यहाँ पे वो आई है, तो हमने डाउनलोड की थी अभी एक इमेज, वो आपको दिखाई दे जाएगी अभी। तो दोस्तों हमारी इमेज यहीं पे हमको दिखाई दे रही है, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस इमेज को। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट की इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है, इसका नाम लिख देते हैं मोबाइल, इसका दोस्तों सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट की इमेज हमने डाल दी है। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट की गैलरीज, आपको दोस्तों इसके बाद में एक इमेज ये वाली भी हम डाल लेते हैं यहाँ से। आपको दोस्तों अपने प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, मैं तो ये डेमो के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इस वजह से दोस्तों इनको डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से। आपको अपने प्रोडक्ट्स की इमेज ही डालनी है, या आपको यहाँ से कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों दो तीन प्रोडक्ट की इमेज भी यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा, प्रोडक्ट गैलरी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ये दो इमेजेस और डाल देता हूँ प्रोडक्ट की गैलरी के तौर पर। दोस्तों दोनों इमेजेस मैंने यहाँ पे और डाल दी है। इसके बाद दोस्तों हम ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इमेजेस आ चुकी हैं। इसके बाद आपको दोस्तों प्रोडक्ट का दोस्तों आपने नाम डाल दिया, इसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन डालना है स्मॉल वाला।
आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं इसको, स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी आप बोल सकते हो। तो इसके बारे में दोस्तों हमने डाल दिया छोटा सा रेंडमली, इसका हमने दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो ये दोस्तों आ रहा है ग्रामरली के एक्सटेंशन की वजह से, जो मेरे को दिखा रहा है ग्रामर की जो भी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 12 पे दोस्तों। ये आप देख सकते हो फॉन्ट साइज, और दोस्तों फॉन्ट फैमिली आ रहा है हमारा टाइनी एमसीए, जो हमने एक प्लगइन डाला था फर्स्ट पहले ही टाइनी एमसीए के नाम से। इसके बाद दोस्तों हमने इसका स्मॉल डाल दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसको फटाफट से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सेव एक्स्ट्रा फोर ऑफर्स भी अगर आप डालना चाहो तो यहाँ से डाल सकते हो। इसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थोड़ा नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, वो भी आपको डालना पड़ेगा, तो आप दोस्तों वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से इनकी टेबल भी आप बना सकते हैं। टेबल किस प्रकार से बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक पहले स्क्रीन सही कर देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों इस टेबल वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल पे जिस प्रकार से आपको दो कॉलम लेने हो दो कॉलम ले सकते हो, तीन कॉलम लेने हो दोस्तों तीन कॉलम ले सकते हो। तो दोस्तों दो कॉलम लेके मैं आपको दिखाता हूँ 3 बाई 2 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप आपको दोस्तों टेबल दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आप अपनी टेबल बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो OS एंड्रॉयड, रैम है आपके 8 GB की, और आइटम वेट है दोस्तों 172 ग्राम का। तो दोस्तों OS मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लिख के, OS हो गया दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा दोस्तों जो है इसमें एंड्रॉयड, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों मैं टेबल बना के आपको दिखा रहा हूँ। रैम है आपकी इसकी 8 GB, रैम 8 GB की आपकी इसमें दिखा दी। आइटम का वेट है 172 ग्राम। इस प्रकार से आप दोस्तों टेबल बना सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको हमने टेबल बना के दिखा दी है, इस प्रकार से आप इसकी टेबल बना सकते हो। टेबल बनाने के बाद दोस्तों आपको काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आप अपने अनुसार से दोस्तों इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के बाद आपको दोस्तों जो है प्रोडक्ट के प्राइजेस रखने हैं। तो अगर आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस है 22,990 का। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट का प्राइस आपको किस प्रकार से रेगुलर प्राइस में दोस्तों इनका 22,990 का। इसके बाद दोस्तों सेल प्राइस में क्या चल रहा है, तो सेल प्राइस में अभी फिलहाल चल रहा है 19,990 का। दोस्तों 19,990 का सेल प्राइस में चल रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री वाले सिस्टम में जाना चाहते हो, इनका प्रोडक्ट का कोई कोड है आपके पास, अगर आपने कोडिंग वाइज कर रखा है तो प्रोडक्ट का कोड SKU कोड को बोलते हैं। जो भी प्रोडक्ट का आपका कोड हो तो आप दोस्तों अपना कोड यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनका SKU कोड, हर प्रोडक्ट का एक अपना कोड होता है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। मेरे को यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है इनका कोड, वैसे इनका कोड होता है इन स्टॉक में। अगर आपका प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है दोस्तों तो आप इन स्टॉक में, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो यहाँ पे क्लिक करके आप आउट स्टॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको शिपिंग चार्ज कितने किलो का आया दोस्तों, 72 ग्राम का है, हमने बताया था आपको, अभी देखा था वहाँ पे। लिंक्ड प्रोडक्ट अगर आपको पता है, इसके साथ दो तीन प्रोडक्ट भी बिक सकते हैं मोबाइल के साथ, चार्जर भी अगर आप बेचना चाहते हो, चार्जर और दोस्तों लीड अगर आप एक्सटर्नल बेचना चाहते हो, तो यहाँ आप दोनों प्रोडक्ट के लिंक यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इनके रिलेटेड एट्रीब्यूट्स अगर आप डालना चाहते हो, एट्रीब्यूट एडवांस सेक्शन में अगर आप जाओ तो यहाँ पर देख सकते हो परचेज के नोटिस, आप इसमें नोट्स डाल सकते हो परचेज के साथ। गेट मोर ऑप्शंस, अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो आप दोस्तों ई कॉमर्स के वेबसाइट स्टोर मार्केट प्लेस पर जा सकते हो। तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहो तो मैं दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। मैंने प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इसके बाद आपको प्रोडक्ट का टैग डालना है, तो हमारा प्रोडक्ट का नाम ही हमारा टैग होगा F15, इसका नाम है। जैसे कि आप देख सकते हो हम इसको ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट का ऐड। उसके बाद एक कैटेगरी ऐड कर देते हैं, कैटेगरी में आएगा दोस्तों फोन, मोबाइल फोन रख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने मोबाइल फोन के तौर पे यहाँ पे दोस्तों इनकी कैटेगरी रख ली है, दोस्तों ऐड टू कार्ट न्यू कैटेगरी कर देते हैं। इसके बाद अब दोस्तों आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है, अगर चेक कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको ठीक कर लेंगे। जैसे हम सेव ड्राफ्ट करते हैं तो प्रीव्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रीव्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट की इमेज आ चुकी है। आप जूमिंग सिस्टम भी आप इसका देख सकते हो कितना अच्छा है। इसके दोस्तों हमने दो प्रोडक्ट की इमेज डाली थी, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले प्रोडक्ट की इमेज और इस वाले पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट की इमेज आप देख सकते हो। पेपल का हमने दोस्तों इंटीग्रेशन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो पेपल बाय नाउ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, 22,000 का था, माइन क्रॉस का चीन आके दोस्तों 19,990 का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे सेल पे चल रहा है, तो सेल का टैग भी आपके सामने ओपन हो चुका है, ऐड टू विश लिस्ट। दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके विश लिस्ट में आ जाएगा ये। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप इसका यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन। ये देखो दोस्तों, तो मैंने टेबल बनानी आपको बताई थी, तो टेबल देखो कितनी अच्छी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर कोई रिव्यू करना चाहता है दोस्तों, यहाँ पे आप रिव्यू करा सकते हो, उससे रिव्यू कर सकता है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत अच्छा हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है दोस्तों। इसको हम पब्लिश करा देते हैं एक बार प्रोडक्ट को। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पब्लिश करते ही साथ ही हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। तो पब्लिश होने के बाद दोस्तों हम इसको रिफ्रेश करा लेते हैं ऐसे एक बार। तो अभी हमारा हमने होम पेज सेट नहीं किया है, सॉरी दोस्तों, आपको यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देगा। अभी दिखाई देगा जब आप यहाँ पे विजिट स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो विजिट स्टोर पे क्लिक करते ही साथ ही आपके सामने आपको प्रोडक्ट दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल पे चल रहा है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐड टू कार्ट पे करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शॉप वाला पेज है, इस वजह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इसका डेमो डाटा इंस्टॉल करना, तो दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हो इनके वाले दोस्तों अपीयरेंस में जाके। दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्ट डेमो डाटा। दोस्तों इनको डेमो डाटा इम्पोर्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से दोस्तों इनका डेमो डाटा वर्क कर रहा है। उस प्रकार से हम दोस्तों अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। बिफोर यू बिगिन, मेक श्योर ऑल द रिक्वायर्ड प्लगइन्स आर एक्टिवेटेड। तो दोस्तों जो मैंने प्लगइन्स स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल करवाए थे, तो वो दोस्तों ये बता रहा है, अगर आप डेमो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको दोस्तों प्लगइन्स एक्टिवेट होने ही होने चाहिए, नहीं तो आपको दोस्तों जो डेमो डाटा आएगा वो दोस्तों करप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इम्पोर्ट डेमो को हम क्लिक करते थे, हमने दोस्तों प्लगइन सभी इंस्टॉल कर लिए थे जैसे कि आप जानते ही हैं। इम्पोर्ट डाटा पे दोस्तों क्लिक कर देता है, इस प्रकार से इम्पोर्टिंग प्लीज वेट का यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, दैट्स इट, ऑल ऑल डन, हमारा दोस्तों इंपोर्ट हो चुका है डाटा। दोस्तों इसके बाद हम दोस्तों वेबसाइट को रिफ्रेश करा देते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं विजिट साइट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे विजिट साइट पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डेमो डाटा दोस्तों आपके सामने इम्पोर्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको दिखाया था साइट, इस प्रकार से आपके दोस्तों सामने आएगी। जैसे हमने जो एक प्रोडक्ट ऐड किया था, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओप्पो F1, ये हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हर एक जगह पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन्होंने जो एक सेटिंग कर रखी है इस पेज की, तो इस वजह से देखो दिखाई दे रहा है। तो अब इस पेज को हम सेटिंग करेंगे अपने अनुसार इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको एडिट पेज पे क्लिक कर देना है, जैसे आप एडिट पेज पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा सब सिस्टम। जैसे आप देख सकते हो, होम करके एक पेज का नाम है होम, और दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर इसको आप दोस्तों अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों प्रोसेसिंग चल रही है इस पेज की, दोस्तों ओपन हो चुका है पेज।